वेलकम टू एक उम्मीद हेल्प चैनल। एंड आज हम लोग बात करेंगे जावा 1.9 के फीचर्स का, जो कि जेसेल है। एंड जेसेल में आज हमारा टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग जेसेल स्निपेट। सो व्हाट इज स्निपेट? ए स्निपेट इज ए स्मॉल पीस ऑफ कोड, जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सिस्टम डॉट प्रिंटलन इज ए स्निपेट, ए स्मॉल पीस ऑफ कोड विच इज ए स्निपेट। सो यहाँ पे अगर हम लोग ओवरऑल इसको कंक्लूड करके बताएं, व्हाट इज ए स्निपेट? एनी वैलिड जावा लाइन और स्टेटमेंट इज ट्रीटेड एज स्निपेट। इट मे बी वेरिएबल डिक्लेरेशन, इट मे बी मेथड डिक्लेरेशन, इट मे बी क्लास डिक्लेरेशन और इट मे बी मेथड कॉल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमने कुछ लाइनें लिख रखी हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, ये भी हमारा एक स्निपेट है। int x वेरिएबल डिक्लेरेशन है, int s is equal to 10 जो कि हमारा एरर स्निपेट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये एरर स्निपेट वैलिड नहीं है, ये स्निपेट है बट दैट इज एरर स्निपेट, ठीक है। सो इंपोर्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो स्निपेट, मेथड डिक्लेरेशन इज ऑल्सो स्मॉल स्निपेट, ऑल्सो ए क्लास मान लो क्लास स्टूडेंट इज ऑल्सो ए वैलिड स्निपेट। सो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये सारे चीजें स्निपेट हैं जावा के लैंग्वेज में। एंड आइए इसका कुछ प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं हम लोग जेएसएल पे कि कैसे किया जाता है। सो लेट्स सी दैट वन। एंड आई होप ये हमारा जेएसएल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जेएसएल hyphen v, I guess you all guys understand hyphen v क्या होता है। hyphen v is like for in verbose mode, start jsl in verbose mode। चलिए पहला स्टेटमेंट हम लोग टाइप करते हैं, valid int x is equal to 10, देखते हैं क्या होता है। yeah, created variable हो गया, ये मेरा एक valid snippet। हम लोग चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि ये सारे snippet है या नहीं है, I will tell you further, just wait for it. अब हमारा मान लीजिए यहाँ पे ठीक है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये हमारा हो गया सेकंड स्टेटमेंट जो कि वैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम लोग अगला बात करते हैं क्या होगा। So, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये एक एरर स्निपेट है, सो इसको टाइप करके पहले आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एरर आ गया, इनकॉम्पेटेबल टाइप। सो यहाँ पे अभी हम लोग इसको चेंज करके स्ट्रिंग कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया एक वैलिड स्निपेट जो कि हमारा नेक्स्ट है, ठीक है। सो अगला अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ मेथड डिक्लेरेशन का। तो मेथड डिक्लेरेशन भी देख लेते हैं, अब यहाँ पे हम लोग ये हमारा हो गया मेथड डिक्लेरेशन, और यहाँ पे हम लोग देखिए सेमी कॉलर नहीं दिए, आई गेस इट में गिव अस सम एरर, यस। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में कह चुका है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आपको सेमी कॉलर देने की जरूरत नहीं है, बट इट इज ए मल्टी लाइन देन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए फिर से डिक्लेरेशन करते हैं मेथड m1 का, सेमी कॉलन देते हैं, देन हम लोग इसको बंद करते हैं। देखिए मेथड m1 इज क्रिएटेड। सो प्लीज मेक श्योर इफ यू आर यूजिंग मल्टी लाइन देन यू मस्ट प्रोवाइड सेमी कॉलन इन सिस्टम इन योर, कहीं पे भी अगर मल्टी लाइन है देन यू हैव टू मस्ट यूज सेमी कॉलन इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई आई हैव शोन यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मेथड कॉल कर लेते हैं m1 को, m1 को अगर कॉल करा तो क्या होता है, वेलकम टू एक उम्मीद हेल्प, ठीक है गुड। अब मैंने क्लास क्रिएट कर लिया,
क्लास स्टूडेंट मेथड देखिए क्या होता है, क्लास क्रिएटेड। सो ये सारी चीज हमारा हो गया। एक चीज मैंने आपको और बताया था, इंपोर्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो है also a valid snippet and let's see that what क्या होता है। ठीक है, देखिए ये भी इम्पोर्ट हो गया। सो अभी हमने जितना चीज किया ये सारे स्निपेट हैं, बट हाउ आई कैन प्रूव यू कि दीज ऑल आर एक्टिव स्निपेट और एनीथिंग एल्स। सो फॉर दैट आप लोग को यूज करना होगा स्लैश लिस्ट कमांड। स्लैश लिस्ट कमांड इफ यू विल टाइप फ्रॉम जेसल कमांड लाइन जेसल जावा सेल देन यू यू विल गेट दैट एक्टिव स्निपेट। देखिए यहाँ पे हमने बात किया था इंटेक्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्ट्रिंग एक उम्मीद हेल्प, ये हो गया हमारा मेथड डिक्लेरेशन, ये हो गया हमारा मेथड कॉल, ये हमारा हो गया क्लास डिक्लेरेशन, ये हमारा हो गया इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सारे स्निपेट हो गए। एंड लेट्स अगेन एक बार मैं और M1 को कॉल करता हूँ मेथड को आप लोग को दिखाने के जस्ट पर। ठीक है, अब फिर से मैंने लिस्ट कमांड किया, तो देखिए एक पोजिशन पे आ गया M1। सो हमारा ये सारे एक्टिव स्निपेट है अभी के करंट। सो स्निपेट तो हो गया, बट व्हाट आर ऑल दिस 1 2 3 4 5 6 से अप टू 8। सो ये सारे क्या हो गए हमारे SID, SID यू नो SID, ये सारे चीज हमारे SID हो गए। SID यानी कि स्निपेट आईडी। ठीक है, 1 2 3 4 ऑल अप टू 8 आर स्निपेट आईडी which we can use in our further टॉपिक। आई विल टेल यू वो कैसे करना है क्या करना है। ठीक है, सो हमको अगर वैलिड एक्टिव स्निपेट देखना होगा तो क्या टाइप करना होगा, स्लैश लिस्ट हम जैसे देन वी विल गेट। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पैकेज स्टेटमेंट जावा जेसेल में नहीं अलाउड है। सो पैकेज स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड इन जेसेल। ठीक है, इसके अलावा ऑलमोस्ट सारे चीज अलाउड है, बट पैकेज स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड। सो लेट सपोज पैकेज कॉम डॉट एक उम्मीद कॉम डॉट एक उम्मीद हेल्प, देखिए क्या होता है इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा। Okay, so package statement is not allowed from JSON. That's all for today's topic. And next topic में हम लोग बात करेंगे कि what are all startup snippet, by default JSON start करने पे कौन सा snippet आता है, and what are the active snippet जो कि आज मैंने बात किया, and how to start the startup snippet. So ये सारे चीज next topic में बात होगी। So till then take care, thank you, bye bye, and just wait for our second videos and we will soon upload the next video on JSON. Thank you.